अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक। ये मैथ्स अकेडमी की लाइव क्लासेज हैं। हम यहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पढ़े हैं, और एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 तक किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1.5 स्टार्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 क्वेश्चन है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। तो लेट्स से आपकी एज जो है वो है 15 ईयर्स। लेट्स से तो अगर आपने इसको डेज में चेंज करना हो तो आप इसे लिखेंगे 15 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज पर ईयर। तो ईयर ईयर से कट जाएगा और आंसर क्या होगा, 15 × 365 डेज। फिर आपने इसे चेंज करना है मिनट्स में या चलिए आवर्स में। तो 15 × 365 डेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स पर डे से। इसमें डे डे से कट जाएगा और आंसर होगा 15 × 365 × 24 आवर्स। फिर आपने इसे चेंज करना है मिनट्स में। सो 15 × 365 × 24 आवर्स और साथ आप लिखोगे 60 मिनट्स पर आवर। तो यहाँ पे ये आवर इस आवर से कट जाएगा, ये बन जाएगा 15 × 365 × 24 × 60 मिनट्स। फिर आपने इस वैल्यू को सेकंड्स में तब्दील कर देना, 15 × 365 × 24 × 60 × 60 मिनट्स यहाँ पे मौजूद है। मजीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ लिख देंगे सेकंड्स पर मिनट, तो मिनट मिनट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 15 × 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड्स। अब यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर से वो आपकी एज होगी सेकंड्स के अंदर, अगर आपकी एज 15 साल है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.6 करना है। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने लायक है नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.6 है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। भाई आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपने ये बताना है कि एसआई यूनिट्स ने पूरी दुनिया के अंदर सेम यूनिट्स का सेट जो है वो चूज करवा दिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया जब एक ही यूनिट चूज करती है तो एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि अगर पूरी दुनिया सिमिलर यूनिट्स यूज करती है तो अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है, एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको लिख रहा हूँ और वो क्या है, वो है इजी इंटरप्रिटेशन। किसी भी मेजरमेंट को आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि जब सब लोग एक ही यूनिट यूज करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो आपको पता है कि हमारे पास जो मेन स्केल होता है वर्नियर स्केल का, उसके एक स्केल की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर होती है एक डिवीजन की, और जो यहाँ पे वर्नियर स्केल की एक यूनिट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.9 मिलीमीटर लेंथ। तो इन दोनों का जो फर्क है वो कितना आता है, वो आता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। और आमतौर पर ये सारी बात है लीस्ट काउंट को इक्वली होता है, तो समटाइम इसकी जगह पे लीस्ट काउंट वाला आंसर भी लिख दिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लीस्ट काउंट बेहतर आंसर नहीं है, आपने यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट ही बताना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई जीरो एरर क्या है, जीरो एरर उस वक्त आने वाली रीडिंग है जब आपने कुछ प्लेस भी नहीं किया। जीरो एरर क्या है, जीरो एरर वो रीडिंग है जो आपके स्केल के ऊपर आ रही होती है जबकि आपने कुछ प्लेस भी नहीं किया होता, तो इसलिए ये आपकी रीडिंग को गलत कर देती है, रीडिंग में एरर इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो जीरो एरर क्या है, वो रीडिंग जो कि आपके डिवाइस के ऊपर आ रही है जब आपने कुछ इसमें प्लेस किया भी नहीं है, और उससे आपकी रीडिंग में एरर आएगा, तो इसे हम जीरो एरर कहते हैं। फिर है, व्हाट इज यूज ऑफ, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई ये जरूरी क्यों है, अगर आप करेक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको जीरो एरर खत्म करने के लिए जीरो करेक्शन लगानी पड़ेगी। जीरो एरर की मेजरमेंट क्यों जरूरी है, ताकि जब आपको जीरो एरर पता चल जाए तो आप जीरो करेक्शन लगा सकें और अपनी सही मेजरमेंट मेजर कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे जीरो एरर यूज करते हैं। 1.10, व्हाट इज द स्टॉप वॉच, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबोरेटरीज। तो भाई टाइम मेजरिंग एंड कोई भी टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट 1 सेकंड का 10वां हिस्सा होता है, तो 0.1 सेकंड इज इट्स लीस्ट काउंट। 1.11, why do we measure extremely small intervals of time? हमें extremely small intervals of time measure करने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर ये है
कि जो हमारे पास डेली लाइफ में नेचर के फिनोमेना हो रहे होते हैं वो बहुत स्मॉल इंटरवल्स में हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन एटम की है तो वो बहुत स्मॉल इंटरवल्स में हो रही होती है. ठीक है, बहुत सारे इंटरवल्स हैं जो बहुत स्मॉल इंटरवल्स में हो रहे होते हैं, बहुत सारे फिनोमेना है, उनको मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे जो है स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम मेजर करने की जरूरत पड़ जाती है. तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई एटम की वाइब्रेशन है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है, किसी एटम से लाइट की इमिशन है, इसके अलावा जो है वो किसी डिवाइस के ऑन ऑफ होने का साइकिल है. तो ये तमाम के इंटरवल्स बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आपने इनको ऑब्जर्व करना है तो उनके लिए आपको स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम मेजर करने की जरूरत पड़ती है. फिर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.12. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या है? व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट? सो ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर सेड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स. और सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहलू क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस से होता है. हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट? तो भाई इसका आंसर मैं कर देता हूँ. तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.13 अगर हम करें तो लेट से आपने किसी चीज की लेंथ मेजर की है 3.23 सेंटीमीटर. ठीक है, 3.23 सेंटीमीटर मेजर की है तो जारी बात है ये जो लेंथ है, चलो 2.23 कर देता हूँ, ये जो लेंथ है ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकते हैं. इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. क्यों? क्योंकि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है? इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. लेकिन अगर यही लेंथ मैं मेजर कर देता हूँ किसी स्क्रू गेज से तो आंसर यहाँ पे आ जाता है. क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज से जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर का 1000th पार्ट होता है. इसका मतलब है कि हमारे पास जितना डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज होता है, जारी बात है स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है, वर्नियर कैलिपर कम प्रिसाइज है. ये रेटिंग स्क्रू गेज से ली है, ये वर्नियर कैलिपर से ली है. सो जो डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी ज्यादा आती है मेजरमेंट में. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या ताल्लुक है जो है प्रिसीजन के साथ? कि जो डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज होता है उसकी किसी एक रीडिंग में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो भी ज्यादा आती है. तो यहाँ तक अगर कोई बात डिस्कस करनी है तो आप लोग पूछ लें. नो सर. नो जी, न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 1.1. 1.1 है. Use the following quantities, express the following quantities using prefix. तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है 5000. 5000 का मतलब क्या होगा? 5 × 10⁻³. और चूंकि ये ग्राम में है तो ग्राम लिख लेते हैं साथ, आप इसे लिख लोगे 5 किलोग्राम. फिर बी पार्ट है 2000 वॉट. तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁶ वॉट या फिर 2 मेगावाट. सी पार्ट क्या है? 5 × 10⁻¹⁰ किलोग्राम. वही सबसे पहले तो यहाँ पे पहले किलोग्राम में लिखा हुआ है, आपको इससे किलो को खत्म करना पड़ेगा और कोई सी का मल्टीपल लाना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 × 2 × 10⁻¹⁰ × 10⁻³ ग्राम, इस पर लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 52 × 10⁻⁷ ग्राम. ये बन जाएगा. तो आपने क्या करना है, 6 में तब्दील करना है या आपने 9 में तब्दील करना है, अब आपकी मर्जी है 6 में तब्दील करो या 9 में तब्दील करो. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ 52 × 10⁻⁻¹⁰ × 10⁻⁶ ग्राम. तो ये -1 इसको कर देगा 5.2 और ये बन जाएगा माइक्रोग्राम. तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसे. इसके अलावा आप इसे इस तरह भी लिख सकते थे, 5.2 आगे क्या करते हैं, आगे इस जगह पे 2 जीरो और डालते हैं और आप इसे नैनोग्राम कह देते, एक ही बात है. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है. उसके बाद 225 × 10⁻¹⁸ सेकेंड है. 225 × 10⁻¹⁸ सेकेंड. तो आपने या तो इसे -9 बनाना है या बनाना है -6. तो अगर -6 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे 225 × 10⁻¹⁪ − 2 × 10⁻¹⁶ सेकेंड्स. तो इसमें 2 को 2 पॉइंट पीछे ले जाए डेसिमल को, 2.25 माइक्रो सेकंड बन जाएगा. या आप ये काम कर सकते थे कि यहाँ पे लिख के 225 × 10⁻¹⁸ और इसे -9 बना देते. कैसे? आप यहाँ लिखते +9 − 9. जल्दी बात है, आप यहाँ पे -1 + 1 भी करते तो भी -9 बन जाना था, लेकिन ये मेथड हमें सीखा जो हुआ तो हम इसी के साथ स्टिक करते हैं. ये बन जाएगा 225 × 10⁻¹⁸ और +1 1 होता है और 10⁻⁹ सेकंड अलग हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 2250 नैनो सेकंड्स. ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लो, आपको जैसे आसान लगता है आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, तो
तो ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 का। अब उसके बाद 1.2 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 क्वेश्चन ये है, हाउ प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माइक्रो वर्सेस नैनो। तो भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। अगर आपने उसे 9 में तब्दील करना है, ठीक है, 1 माइक्रो का मतलब क्या है 10^-6। अगर आपने उसे नैनो में तब्दील करना है तो वो तो -9 होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे -6 + 9 - 9 करना पड़ेगा। 10^-6 + 9 यही रह जाएगा और 10^-9 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 10^3 और ये बन जाएगा नैनो। सो 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रो होता है 1000 नैनो के इक्वल, ठीक है। और अगर आप इसको उधर ले जाओ तो ये सारी बात है 1/1000 माइक्रो बन जाएगा और वो 1 नैनो के इक्वल होगा, या 10^-3 माइक्रो 1 नैनो के इक्वल होगा। तो अगर 1 माइक्रो है तो उसमें 1000 नैनो होते हैं और अगर 1 नैनो है तो उसमें 1/1000 माइक्रो होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया। अब उसके बाद अगली चीज है वो क्या है, वो है नैनो वर्सेस पिको। तो नैनो वर्सेस पिको के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 नैनो और 1 नैनो क्या बनता है, ये बनता है 10^-9। आपने -12 बनाना है तो -9 + 12 - 12 कर दें, ये बन जाएगा 10^-9 + 12 और -12 को अलग कर दें, ये बन जाएगा 10^3। तो 1 नैनो के अंदर 10^3 पिकोज होते हैं, या फिर 1 पिको के अंदर 10^-1 नैनोज होते हैं, -3 नैनोज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन हो गया। अब हम करते हैं माइक्रो वर्सेस पिको, ठीक है, माइक्रो वर्सेस पिको हम यहाँ पे लिखते हैं। भाई माइक्रो वर्सेस पिको, अब अगेन 1 माइक्रो का मतलब 10^-6 होता है, आपने पिको बनाना है तो 10^-6 में +12 और -12 कर दें, ये बन जाएगा -6 + 12 और 7 बन जाएगा -12। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 10^6, ठीक है, और 1 माइक्रो में 10^6 पिकोज होते हैं, तो 1 पिको में क्या होगा 10^-6 माइक्रोज होंगे। तो ये हमने तीनों का लिंक आपस में एस्टेब्लिश कर दिया है। कि ये कितना है इसमें नैनोमीटर पर सेकंड में, नैनोमीटर पर सेकंड में इसका आंसर कितना है। भाई सबसे पहले मिली को नैनो में तब्दील कीजिए, 1 मिलीमीटर पर डे लिखा हुआ है, तो भाई 1 मिली का मतलब होता है 10^-3 मीटर। और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे, 1 × 24 आवर्स × 60 मिनट × 60 सेकंड, ठीक है। तो ये आपने सेकंड में तो डील कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मिली की जगह पे नैनो लेके आना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 × 10^-3, क्योंकि नैनो लाना है तो +9 और -9 लिख दें, और नीचे जो भी आंसर आता है कितना बनेगा, आई थिंक ये बनेगा 86400 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 1 × 10^-3 + 9 × 10^-9 मीटर ओवर 86400 सेकेंड्स। तो भाई ये बन जाएगा 1 × 10^3 ओवर 86400 और इसको मिला के आप बना लीजिए नैनोमीटर और इसको बना लीजिए सेकेंड्स, तो इसका आंसर कितना होगा, ये आंसर होगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। फिर है जी न्यूमेरिकल नंबर 1.4, और न्यूमेरिकल नंबर 1.4 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट क्या है, वो है 1168 × 10^-27 स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइंटिफिक नोटेशन की होती है उसमें
10 की पावर मल्टीप्लाई होती है 1 और 9 के दरमियान में मौजूद किसी डिजिट से, 1 और 9 में मौजूद किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे लिख लेंगे 1168, डेसिमल 3 पॉइंट पीछे ले आए, साथ लिख दें मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही बन जाएगा। और साथ 10 की पावर माइनस 27 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1.168 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 27, ये बनता है 1.168 into 10 to the power minus 24, ये हमारे पास इसकी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बी पार्ट है, और बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 32 into 10 to the power 5, आप इसे लिख लें 3.2 into 10, फर्दर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.2 into 10 1 plus 5, That means 3.2 into 10 to the power 6. The next is C, that is इतने किलोग्राम में हमारा आंसर होगा। फिर डी पार्ट है, डी पार्ट क्या है, 0.02 into 10 to the power minus 8, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए 0.02, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है इसका 0, इसका 0 और इसका 1 आता है, तो ऊपर से ये खत्म हो जाता है, इसका मतलब है ये 2 divided by 100 बन रहा है, that means ये क्या बना है 2 into 10 की पावर minus 2 into 10 to the power minus 8, तो ये बन जाएगा 2 into 10 to the power minus 10, ये पार्ट हो गया। उसके बाद numerical 1.5 है, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ए पार्ट में कहा है री राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है 6400 किलोमीटर में, अगर आप यहाँ पे लिखते हो 6400, तो आप क्या करो इसको डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई भी कर दो 1000 से, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि यहाँ पे ये जीरो से कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, इस जीरो की जगह पे ये है और डेसिमल इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बी पार्ट है, और बी पार्ट है 380,000 और किलोमीटर में है, तो आप यहाँ पे क्या लिखे 380,000 और इसको डिवाइड कर दीजिए एक जीरो इसका, 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 और इस जगह पे डेसिमल आना तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए और इतने ही जीरो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, 5 जीरो आएंगे यहाँ पे, तो इससे ये वाली टर्म हो जाएगी 3.8 और आगे बन जाएगा 10 की पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए 3, यहाँ 8 जीरोस आएंगे, अब इन 8 जीरोस के नीचे यहाँ पे मजीद 8 जीरोस डालें, हर एक जीरो के अगेंस्ट एक जीरो है और 3 के अगेंस्ट यहाँ पे एक 1 है, और साथ इतने ही जीरोस आगे लिख लेंगे, तो ये इतना बन जाएगा और ये बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, सेकेंड इन आर डे, एक सेकेंड में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 into 24 into 60 into 60 seconds, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये बन जाएगा 86400 seconds। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए 86400 के नीचे इसका जीरो, फिर इसका जीरो, फिर इसका जीरो, फिर इसका जीरो, और जहाँ डेसिमल डालना है उसका 1 लिखिए, साथ लिखिए 10 की पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.64 into 10 to the power 4 seconds। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।
नो सर। अच्छा जी, न्यूमेरिकल 1.6 है। On closing the jaws of vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right of its scale such that fourth division of vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो भाई सबसे पहले zero error find out करने के लिए main scale reading है, क्योंकि main scale reading zero millimeter, zero centimeter है, इसलिए यहाँ zero लिख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन सी line match कर रही है, fourth line match कर रही है। Least count कितना होता है, वो 0.01 centimeter होता है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी होगी, वो आएगी n इंटू लीस्ट काउंट, और वो कितनी होगी, वो होगी 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.04 सेंटीमीटर। अब जो टोटल रीडिंग आएगी वो जीरो एरर के इक्वल होगी। टोटल रीडिंग किसके इक्वल होगी, वो जीरो एरर के इक्वल होगी। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट मीन्स 0 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चूंकि जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो से राइट पे है, इसलिए जो जीरो एरर है वो प्लस 0.04 सेंटीमीटर आ रहा है। जो जीरो करेक्शन होती है वो हमेशा जीरो एरर के ऑपोजिट होती है, इसलिए वो माइनस 0.04 सेंटीमीटर बनेगी। आपने ये MSR को मेन स्केल रीडिंग पूरा लिखना है, VSR को वर्नियर स्केल रीडिंग पूरा लिखना है। आप एब्रीवेशन पेपर में यूज नहीं कर सकते। मेडिकल 1.7, अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजंस, स्मॉल एन लिख लेता हूं, 50 डिविजंस ऑन इट सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, बट इज लीस्ट काउंट। भाई लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजंस ऑन सर्कुलर स्केल। आपने CSB पूरा लिखना है। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 0.5 मिलीमीटर ओवर 50, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर, या फिर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मिली की जगह पे 10^-3 लिख लेते हैं, तो आप यहाँ से 1 को लगा कर लें, क्योंकि आप सेंटी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे -1 और -2 को लगा कर लें, तो -2 को सेंटीमीटर लिख लें, और इस हिसाब से ये 0.0001 और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल 1.8, न्यूमेरिकल 1.8 है। Which of the following quantities have 3 significant figures? तो भाई A के अंदर 5 significant figures हैं, B के अंदर 3 significant figures हैं, C के अंदर 3 significant figures हैं, और D के अंदर 4 significant figures हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास B और C option बनता है। अच्छा, उसके बाद 1.9 है, और question क्या है, What are significant figures in the following measurements? तो सबसे पहले जो A part है इसमें 1.009 है, तो दो जो नॉन जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें 4 हैं। फिर उसके बाद 0.00450 किलोग्राम है, लेफ्ट साइड वाले कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ पे 4-5 सिग्निफिकेंट है, और राइट साइड वाला जीरो लिखा ही इसलिए गया कि वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे ये सी बन जाएगा। और उसके बाद सी पार्ट है 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। तो भाई 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे तादाद कितनी है, 3 है। फिर डी पार्ट है 2001 सेकंड, तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे तादाद क्या है, यहाँ पे तादाद है 4। फिर है न्यूमेरिकल 1.10, क्वेश्चन क्या है, अ चॉकलेट रैपर is 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स आपने असल में जो पेपर में लिखना होता है उस तरह लिखना होता है, लेंथ L इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 5.4 सेंटीमीटर वाइड, सो विड्थ इज 5.4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद है इट्स कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो इसका एरिया
ए हमने फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। तो एरिया क्या आएगा, वो आएगा लेंथ इनटू वेट, ये होगा 6.7 इनटू 5.4 सेंटीमीटर लिखे हुए, तो वो भी लिख देता हूँ साथ सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बच्चों इसका आंसर आ रहा है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हैं, तो आंसर में भी दो ही होने चाहिए। किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी आंसर अपने जो क्वांटिटीज जिनसे वो मिलकर बना है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन नहीं कर सकता। इस हिसाब से यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, राउंड ऑफ कर लें 36.2 बन जाएगा, एक और राउंडिंग ऑफ करें तो बन जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी अगले जो डिजिट थे वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। बच्चों मुझे बताओ इस पूरे चैप्टर में कोई चीज रह तो नहीं गई? तो सर कोई कंफ्यूजन इस पूरे चैप्टर में है तो पूछना। मेरा Yes. तो बच्चों यहाँ पे हम अब लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। Thank you, sir. Allah Hafiz.